हरि ओम। देखिए बादल में फिर कोई नई आकृति है, और यहाँ के जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो वो बादलों की आकृति को देखकर आने वाले समय का, अगले दिन का अनुमान लगाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, ये देखिए आकृति तो कोई ना कोई बनती है, और इसको देख के यहाँ के लोग सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय जो स्थिति होती है उसके हिसाब से अनुमान लगाते हैं। और ये गंगा जी के किनारे, यहाँ चूँकि आबादी नहीं है ज़्यादा, साधक ही आते हैं, बैठते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं। अभी देखिए, आप देखेंगे एक साधक को ध्यान मुद्रा में, ये देखिए। किनारे बैठ जाते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, आनंद लेते हैं। और इस समय तो गंगा जी का वेग आप देख पा रहे हैं, ये देखिए। और ये पर्वत श्रृंखलाएं और वृक्ष, ठाकुर जी की कृपा और बाबा जी का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्रेम और स्नेह लगातार बढ़ रहा है। पिछले दिनों जो मैंने मन की बात में आपको बताया था कि परिवार में कुछ सिलेक्टेड लोग रह जाएंगे और हम संवाद करते रहेंगे, लेकिन उसके बाद प्रभु जी पिछले 10 दिनों में अगर आप देखें, परिवार ऐसे हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। इतना बड़ा परिवार हो गया कि आप देखेंगे कि 10,000 लोगों का परिवार हो गया 10 दिनों में, 1,000 से 10,000 लोग हो गए। बाबा जी कहते हैं कि जब आप किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर होते हैं, जब आप समाज के किसी माध्यम से जुड़े होते हैं, आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आपसे जो लोग जुड़े हैं, साधक हैं या जिज्ञासु हैं, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करना भी हमारा कर्तव्य है। जो भी ज्ञान है, जो भी अनुभव है, जितना भी है, उसके अनुसार जो भी लोग परिवार में जुड़ गए हैं उनकी जिज्ञासाओं का समाधान होना चाहिए। अभी प्रभु जी भूटान का चल रहा था, एक और वीडियो आप देखेंगे भूटान का। लोगों की इच्छा है कि भूटान की यात्रा करा दें, लेकिन प्रभु जी मैंने देखा हार्ड डिस्क में, मुझे अभी मिला नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई साधन नहीं है, वीडियोज़ भी नहीं है। फिर भी अगर मिला तो उसके साथ एक बार और भूटान का एक वीडियो आप देखेंगे, और उसके बाद आगे की यात्रा आपके साथ होगी। हम इस समय भूटान में हैं, पारो और थिम्पू का कार्यक्रम बना, तो इस समय हम पारो में हैं। और यहाँ घूमने का उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य था भूटान पूरी तरह से धार्मिक देश है, और यहाँ बौद्ध धर्म की मान्यता है, जगह जगह पर मोनेस्ट्री हैं जिन्हें गुम्फा भी कहते हैं, और लोगों का यहाँ ऑफिस में भी ड्रेस कोड है। जैसे लामा का एक ड्रेस कोड है, ऐसे ही यहाँ ऑफिस के लोगों का भी है, और हम लोग फोटो में देखते कह देते हैं कि ये भूटान के लोग हैं। यहाँ आकर मैं कुछ लामा से मिला,
उनका ज्ञान, उनकी साधना, सेवा, तपस्या अद्भुत, और यही उद्देश्य था यहाँ आने का। इतना सम्मान मिला, बहुत अच्छे लामा, इतना सम्मान मिला, उनके साथ रहने को उन्होंने जगह दिया। मंदिर में यहाँ रहने की जगह नहीं मिलती है किसी को, मंदिर में रहने के लिए केवल लामा ही रह सकते हैं, या जो उनके विद्यार्थी हैं या रिम्पोछे वगैरह आते हैं रहते हैं। ऐसे यहाँ घरों में भी बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं। आज जिस स्थान पर बैठकर आपसे बातें करने का मन हो रहा था, इसलिए फिर यहाँ आ गए कि यहीं बैठ के आप लोगों से बातें करेंगे। जो सूक्ष्म है उसको जीना होता है, पढ़ के नहीं होता है, पढ़ के समझना होता है, फिर उसको जीना होता है। सूक्ष्म इन आंखों से नहीं दिखता है, उसके लिए अंदर मन के आगे चाहिए। तो अपने अंदर जाएं, अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे, आप सहज हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे, शरीर और महसूस कर लेंगे, शरीर अलग है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर से जो कर्म हो रहे हैं उसका रिग्रेट नहीं होगा, बस ये देखेंगे कि मेरे शरीर से जो कर्म हो रहे हैं उससे किसी दूसरे शरीर को कोई कष्ट तो नहीं होगा, उससे उस शरीर के अंदर जो आत्मा है उसको तो कष्ट नहीं हुआ, मैंने उसे ऐसा दुख तो नहीं दिया, मैंने उसका शोषण तो नहीं किया, मैंने उसका धन तो नहीं ले लिया, उसका हक तो नहीं मार लिया। बस ये चिंतन रहेगा, बाकी शरीर से जो हो रहा है, लेना देना हो रहा है, हमारा कुछ प्रारब्ध है, कुछ हमारे कर्म है, शरीर भोग रहा है, भोगो, पूरी तरह से भोगो, लिप्त हो जाओ, अनासक्त भाव से, आसक्ति नहीं हो, प्रेम भाव से, शरीर के भोगने दो, मोह ना हो, जो सामने है वही सत्य है, वही ईश्वर है, आगे चलो, जो सामने आ जाए वही सत्य है, वही ईश्वर है, अब पीछे वाले से लिप्त मत हो, शटर बंद, दोबारा फिर अगर उसी में प्रवेश करना पड़ा तो फिर वही सत्य, वही ईश्वर है, फिर बंद, मोह ना हो, मोह पीछे लौटाता है, मोह आगे बढ़ने से रोकता है, तो मोह मत करो, आसक्ति नहीं करो, लिप्त रहो, पूरा हो जाओ, उसके बाद खत्म हो गया, चलो आगे चलो, प्रेम प्रेम स्वरूप हो जाए, प्रेम में त्याग होता है, त्याग हो गया, मोह में पाने की चाहना रहती, मोह में अधिकार चाहिए, मोह है तो अधिकार चाहिए, प्रेम में अधिकार नहीं, त्याग चाहिए, ठीक है, मुझे बहुत आनंद मिला, मुझे मिला मेरा बस वो आनंद ही बहुत है, उस आनंद को अपने अपने बैठा लो, उस आनंद को परम आनंद से मिला लो, विराट स्वरूप है प्रेम का, मोह का नहीं है, मोह में आ सकती है, पाना है उसको, नहीं पाना तो द्वेष पैदा होता है, मोह से राग, राग से द्वेष होता है, इधर प्रेम होता है, प्रेम में त्याग होता है, उस परमात्मा से मिलने का एक बड़ा कैनवास होता है, और जहां द्वेष होता है राग से अपेक्षाएं होती हैं, अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो द्वेष हो गया, अब द्वेष आ गया तो क्या करेंगे, अब कुछ बदला लेना है, कुछ सबक सिखाना है, द्वेष हो गया ना, द्वेष सिखा करेंगे, इसने ऐसा कैसे किया, मेरा क्यों नहीं हुआ, मेरी बात क्यों नहीं मानी, हो प्रेम में मुझे जो मिला उससे मैं इतना आनंदित हूं, अभिभूत हूं, थोड़े पल का सही लेकिन उसको मैं डेवलप कर रहा हूं, तुमने मुझे वो जो दिया, जो थोड़े समय में जो तुमने मुझे दिया, वो मेरे पूरे शरीर के रोम रोम में वो हो गया है, नहीं भी मिला तो वो त्याग है, लेकिन त्याग है, मैं तो उसमें आकार हो गया, प्रभु को समर्पित कर दिया था ना, प्रभु का स्वरूप है, आनंद लिया, धोखा नहीं दिया, आत्मा नहीं दुखाई, कष्ट नहीं दिया, राग नहीं पैदा किया, ये नहीं अधिकार नहीं है कि चाहिए, बार बार चाहिए, तुम ही चाहिए, तुम्हारे ही बैंक से तिजोरी से पैसा चाहिए, तुम्हारा ही अकाउंट खाली करना है, नहीं हुआ भोगा, ये भोगने में तो प्रारब्ध होता है या एफडी क्रिएट करते हैं, अगर प्रारब्ध है तो भी एक होता है कि भाई प्रारब्ध था, हुआ अच्छे मन से हुआ, क्रिएट कर रहे हैं तो बहुत सावधानी बरतो कि किसी का हक तो नहीं मार रहे हो, किसी को कष्ट तो नहीं दे रहे हो, बस
शरीर का छोड़ दो सब, और हम पूरा तो दूसरों के लिए जीते हैं सब। अपने लिए जियो, अपने 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 लिए जियो, अपना लिए, अपने लिए जियो, अपने मन का सा करोगे तो वो बटेगा, सब जगह जाएगा समाज में। हम दूसरों के लिए जीते हैं, वो क्या कह रहा है, वो क्या कर रहा है, उसके लिए अपने लिए जियो, अपने आनंद के लिए जियो। वो जो आनंद का जो बढ़ेगा ना औरा का जोर, तो उसमें जो भी आएगा वो सब आनंद में सराबोर हो जाएगा, वो सब शांत हो जाएगा। शांति आनंद और कर्मयोगी बनो। कर्म तो करना है, कुछ भी कर रहे हो, ध्यान कर रहे कर अपना 100% देना है, तो प्राप्ति तो होगी, प्राप्ति होगी, समृद्धि होगी, उससे ऐश्वर्य होगा। उसको भोगो, उपयोग करो उसका। जीवन को सहज और सरल बनाना हमारे हाथ में है। बहुत इसके लिए पैसा भी नहीं चाहिए, इसके लिए बहुत बड़ा मास्टर नहीं चाहिए, मास्टर के चक्कर में भी ना पड़े। जब ज्ञान हो जाएगा ना, तब तक के लिए मास्टर चाहिए, उसके बाद नहीं चाहिए। बस भाव से उसको स्मरण करते रहो, अपने अंदर बैठ जाएगा वो। और आदि गुरु हमारा शिव है, आदि गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर, मोहम्मद ईसा बुद्ध नानक सबसे ऊपर, क्रिएटर ऑल माइटी, बस वो हमारे अंदर है। अंदर बैठा नहीं है, उससे जुड़ना है। परमात्मा तो बाहर है, उसका अंश हमारे अंदर है, उस अंश को विराट स्वरूप में जोड़ना है, उसका कार्य करना है। कहां पैसा लगा इसमें, कहां अतिरिक्त खर्चा करना पड़ा, कहां दुनिया भर के पैसे खर्च करते हैं, हजारों रुपए शांति के लिए गए हैं। आजकल तो बड़े बड़े एमएनसीज में, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस में लोग जाते हैं, पैसा लेते हैं कि क्या कर रहे हैं, एक सप्ताह का कोर्स करा रहे हैं क्या, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कर रहे हैं। क्या हुआ, 3 दिन कोर्स होगा, आजकल तो 1 दिन का भी हो गया। हजारों रुपए लेते हैं प्रभु जी, बड़े बड़े मैनेजर सब आते हैं, ओ चीजें सिखाई थोड़ी थोड़ी सी, 4 घंटे बाद फिर पैसे के वैसे हो गए। इसके लिए अभ्यास चाहिए, निरंतर प्रक्रिया चाहिए, संकल्प चाहिए, और धीरे 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 वो दृढ़ता आ जाएगी आपके अंदर, आपके आचरण में वो झलकने लगेगा, वो सुख, वो आनंद, वो शांति, लोग फॉलो करने लगेंगे आपको। अरे भाई तुम हर समय आनंद में रहते हो, कैसे रहते हो बताओ, ऐसे रहते हैं, देखो मैंने जिया है, तुम भी जियो। इतनी बड़ी बड़ी परेशानी में तुम्हें परेशानी नहीं लगती है, लगती है थोड़े समय के लिए लगती है, उसके बाद मैं अपने उसमें चला जाता हूँ। कैसे जाते हो, ऐसे जाता हूँ, तुम भी जाओ, छोटी छोटी सी क्रियाएं करो, बस प्रकृति के साथ जियो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम श्वास, मन, प्राण और उसको लय कर लेते हैं ना, अगर हम 40 मिनट में 4 मिनट भी अगर हम भूल गए कि ये शरीर है, मन और प्राण तो लय है ही, 40 मिनट में 4 मिनट भी किया तो हमारा पूरा शरीर के जो सेल हैं कंपन होने लगता है उनमें, और हमारे सारे टॉक्सिन्स चले जाते हैं और प्रकृति से हम ले लेते हैं। जो हमारे शरीर की जरूरतें हैं वो प्रकृति से ले लेते हैं, कंपन होता है ऐसे ऐसे। बस में देखा पहले वो भोंपू चलते थे, ऐसे दबाया चली गई और छोड़ दिया तो अपने आप उसमें हवा आ जाती, साइफन जैसे होता है, ऐसे चलने लगता है। और हम श्वास तो लेते हैं, हमारे शरीर का हर सेल श्वास लेता है, प्रकृति से लेता है। अगर हम केवल इस श्वास के भरोसे रहे तो हमारा नहीं चल सकता है। हमारे एक एक सेल श्वास लेते हैं, प्रकृति भी छोड़ती है और लेती है ना, ऑक्सीजन देते हैं पेड़, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हमारे सेल भी उसको लेते हैं। बहुत बड़ी चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, जो भूख पर नियंत्रण है, भोजन पर नियंत्रण है ना, योगी लोग जंगलों में रहते हैं क्या खाते हैं, कैसे पीते हैं, उनको वनस्पतियों का एक तो ज्ञान होता है, वो मैं कभी बाद में बताऊंगा जो मैंने अनुभव किया है। दूसरा वो यही करते हैं, मन प्राण लय होके और शरीर नहीं हो, शरीर में जब वो होता है तो वो प्रकृति से पूरा भोजन ले लेते हैं,
बीज डालते हैं, खाद देते हैं, पानी देते हैं, गेहूं होता है, बालियां लगती हैं, पकता है, निकालते हैं, झाड़ते हैं, उसको साफ करते हैं, चक्की में डालते हैं, आटा आता है, पानी मिलाते हैं, रोटी बनाते हैं, आग में सेकते हैं, पहले वो हुआ, फिर उसने जल मिलाया, फिर उसको अग्नि में सेका, फिर उसको खाया। खाने के बाद यहाँ से लार ग्रंथियों से वो निकली, फिर वो धीरे धीरे आपके फूड पाइप से होते हुए आपके आमाशय में गया, वहाँ पे पचा, पचने के बाद वो छोटी आंत से बड़ी आंत में गया, बड़ी आंत से रस उसका पूरे शरीर ने ले लिया और मल बाहर कर दिया। कितना लंबा प्रोसेस है। योगी जब बैठते हैं ध्यान में, लय हो गए तो आपके सेल सक्रिय हो गए, वो उस एसेंस को डायरेक्ट ले लेते हैं। पेड़ों में जो फल है उस फल का जो प्राकृतिक एसेंस है वो आ जाता है। वो तो बिखर ही रहा है ना, वो तो बिखर रहा है, आम पक रहा है तो उसके अंदर परिवर्तन हो रहा है ना, कंपन होता है। आपने जैसे किया एकाकार हुआ, पृथ्वी जल वायु अग्नि ये जो तत्व हैं इनमें सैफन हुआ और बाहर भी ये तत्व है, ये तत्व आपके अंदर आ जाएंगे। अगर आम पक रहा है उसको अग्नि चाहिए, सूर्य चाहिए, जल चाहिए, वायु चाहिए, सब चाहिए ना, तो वो जो उसको मिल रहा है उसका एक अंश आपको मिल रहा है। क्यों? आप उसमें हो गए हैं, समाधि लगा के बैठ जाते हैं, महीनों समाधि रहती है, कुछ खाते पीते नहीं है। क्यों? उनके सेल सक्रिय हो जाते हैं, वो प्रकृति से लेने लगते हैं ऑक्सीजन, जो लेते हैं ना ऑक्सीजन के साथ वो तत्व लेने लगते हैं, और पांचों तत्व जो है वो आप आ जाता है। कितने लंबे प्रोसेस के बाद हम लेते हैं, हम डायरेक्ट उससे ले लेते हैं, जीवंत रहते हैं। ये बातें कहीं आपको नहीं मिलेंगी, शास्त्रों में नहीं मिलेंगी, बहुत कम लोग पढ़ाएंगे, लेकिन ये अनुभव जन्म पाते हैं जो मैंने उन योगियों से हिमालय में जो गुफाओं में रहते हैं, जो लोगों के बीच में नहीं आते हैं, वर्षों साधना करते हैं, मैं उनसे मिला हूँ। कुछ ऐसे योगियों से जब मैं बातें करता हूँ, अपनी जिज्ञासा रखता हूँ, तो वो जो बताते हैं तो उन्होंने जिया है वो बताते हैं, उसके बाद हम जीने की हमने कोशिश करें, हम करते हैं, फिर मुझे लगता है देखो मैं करता हूँ, आप भी करो। अभी जब मैं लोगों से कहता हूँ मैं भोजन नहीं करता हूँ, तो लोग कहते हैं भोजन नहीं करते कैसे कैसे रहते हैं, रहता हूँ तो कई वर्ष हो गए मुझे, फल खा लेता हूँ, सब्जी खा लेता हूँ, दूध पी लेता हूँ, ड्राई फ्रूट्स खा लेता हूँ, जहाँ जो होता मिलता है, कहीं नहीं मिलता है तो खाली दूध पी लेता हूँ, आलू रखता हूँ, शकरकंदी होता है आग में डाल देता हूँ खा लेता हूँ, सब्जी बना के खा लेता हूँ, उबाला तड़का लगाया थोड़ा सा खा लिया। शरीर को जैसे बनाओ वैसा हो जाता है, और धीरे धीरे आपकी जो वैली है ना छोटी हो जाती है, संकुचित हो जाती है, जब उसको पूरा भरा रहता है तो फैलता है। जो कम अन्न खाते हैं धीरे धीरे धीरे, डाइट डाइट वो मत करें, लोग कहते हैं मैं क्या कर रहे हैं डाइट पर, वो सब नहीं, पौष्टिक चीजें लो सब लो, लेकिन अभ्यस्त हो जाओ तो वो छोटा हो जाता है, छोटा हो जाता है तो भूख कम लगती है, उतने में आपके शरीर से आप प्रकृति से लेने लगते हैं। जो बहुत मोटे लोग होते हैं बहुत खाना खाते हैं, उनका जो ऑपरेशन होता है ना, उनके पेट को भी थैली को काट के वो कर दिया जाता है, उससे ज्यादा आएगा ही नहीं, भूख लगेगी नहीं। ये करो, एकाकार हो जाओ, एक घंटा बैठो बिल्कुल उसमें, धीरे 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 धीरे, 60 मिनट में अगर 6 मिनट भी हो गए, 6 सेकंड भी अगर हो गया, टॉक्सिन्स बाहर तत्व अंदर, जो शरीर का तत्व कमजोर है कम है वो मिल गया और चला गया, और प्रकृति के पास तत्व तो शरीर के तत्व में अगर बैलेंस हो गया तो आप अपने प्रारब्ध को सहजता से जीते हैं, आनंद में रहते हैं उसमें रहते हैं। ये रहना है, ये करना है, जो मैं करता हूं आप भी करो, करो नहीं उसको केवल सुनो नहीं उसे, करो उसको अनुभव करो, आप देखोगे धीरे धीरे फिर आप उसको डेवलप करो। सत्य अंतिम सत्य नहीं है, एक छोटी सी चीज मिल गई, अगर आपको इतनी सी भी पकड़ में आ गई, उस पकड़ के उसको उसके सहारे चलो, पहुंच जाओगे ऊपर मंजिल तक, लक्ष्य तक पहुंच जाओ, ये करना है।
अभी थिम्पू जाएंगे और जगह भ्रमण करेंगे, फिर एक शायर मुक्तिनाथ जानेंगे, मुक्तिनाथ जाएंगे, जहां बाबा जी ले जाए वहां जाएंगे, कोई पहले से तय प्रोग्राम नहीं। भूटान तो था ही नहीं हमारी लिस्ट में, लेकिन कोई लामा मुझे खींच रहा है, मुझे लगा अच्छा यहाँ पर एक लामा है, उनको भावातीत ध्यान होता है, वो 6 इंच से लेकर 12 इंच तक ध्यान की स्थिति में अपने आप उठ जाते हैं। शायद दूसरे लामा हैं भूटान में, अभी तक जापान के एक लामा है, उनको सब जानते हैं कि वो 10 फीट तक हाइट पर ध्यान में उठ जाते हैं, ये अभी 6 फीट उठने लगे, मिलने की इच्छा थी इसलिए आ गए, अभी उनसे मिलने का कार्यक्रम तय हो गया है। सब तत्व है हमारे शास्त्रों में, है सब 5 तत्व है, पृथ्वी तत्व पर अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं, शरीर से अलग हो जाता है, आप धरती से ऊपर उठ जाते हैं। जल तत्व शरीर में, उसमें अगर आपने नियंत्रण कर लिया, बांध लिया जल को, स्थिर कर लिया, आप पानी में चलने लगते हैं। वायु तत्व को कर लिया तो आप हवा में उड़ने लगते हैं। हमारे यहां है, योगी उड़ते थे हवा में, जल पर नदी पार कर लेते थे, ऐसे उड़ जाते थे। सब शरीर के जो 5 तत्व है, इसमें जिस तत्व पर आपने वो कर लिया, वो तत्व तो आपके कहने पर चलने लगता है, स्थिर हो जाता है। जल से जल ऐसे मिल जाएगा, पृथ्वी से पृथ्वी का भाव छोड़ देगा शरीर, ऊपर उठ गया। अभ्यास भी है, प्रारब्ध भी है, गुरु का मार्गदर्शन भी है इन क्रियाओं में, तो यहां है लामा जो 12 इंच तक शरीर को बैठे बैठे ध्यान में अपने को वो कर लेते हैं। प्रभु जी बहुत आनंद आया, 3 बज गए, अमृत वेला शुरू होने वाली है, ब्रह्म मुहूर्त, समय का आनंद अलग है। समय का इस पर कभी चर्चा करेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठते हैं, बेशक बाद में सो जाओ, 2 घंटे सो लो, बाद में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के बैठो, ध्यान करो, चिंतन करो, आनंद करो, ये कभी बाद में बताएंगे, आज बहुत सारी बातें हो गई। और ये मुझे इस मंदिर में बैठ के मुझे बातें करने का बहुत मन था, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सब बातें जो मैंने की हैं बताई हैं सब बाबा जी की है, इस गद्दी का यहाँ का प्रभाव है, यहाँ का एनर्जी का प्रभाव है, ऊर्ध्वगामी ऊर्जा है यहाँ पर, और जैसे आप बैठते हैं तो उस ऊर्ध्वगामी ऊर्जा से आप आत्मसात हो जाते हैं, इसीलिए स्थान का बहुत महत्व होता है, अलग अलग स्थान की अलग अलग एनर्जी होती है, इस पर कभी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन शरीर की एनर्जी अपनी एनर्जी होती है, विकर्ण होता है, इसीलिए कहते हैं कि जहां आसन बिठाओ अपना एक आसन रखो, उस आसन पर बैठ जाओ, अगर ऊर्ध्वगामी ऊर्जा है, आनंद है तो आनंद लीजिए, नहीं ले रहे तो आसन की एनर्जी, आसन भी एनर्जेटिक हो जाता है, उस आनंद के आसन की एनर्जी से अपने शरीर की एनर्जी का आत्मसात कर लें, तो आनंद लें। ये स्थान है, रिम्पोछे बैठते हैं, लामास बैठते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, ये देखिए ये का मैंने सुना है बहुत, एक नाद में बजाते हैं, ये सब पूजा करते हैं, ये देखो इन लोगों का वो दूसरे तक घंटे होते हैं, देर तक आप सुन पाएंगे इसका, देखो ये प्रणव आनंद है, ये भी इनका एक वो इसी तरह का वो बजाने का है। फिर ये डमरू है, डमरू बजाते हैं, इसका भी एक अलग अनुभव है, मुझे बजाना नहीं आता है, लेकिन उनका रिदम है, ये बनाते हैं और उच्चारण से वो अपने यहाँ पे जो लामा बैठ के करते हैं, उच्चारण से कभी तेज कभी, अरे शब्द ब्रह्म है, उसकी एक ध्वनि है, एक लय है, उस लय में वो उसका उच्चारण करते हैं, कभी तेज कभी कम, कभी स्पीड में कभी वैसे, जैसे शब्द है उसके हिसाब से उसकी ध्वनि का विकरण करते हैं, उसके हिसाब से इसको बजाते हैं, उसके हिसाब से ये चलता है।